नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की कुछ अहम खबरों पर। खबर थाना चंदवा क्षेत्र के गांव नगला कल्लू से है, जहां दूध पीने से एक मासूम बच्चे की मौत के मामले से हड़कंप मच गया है। जहां एक बच्चे की मौत की खबर सामने आई है, तो वहीं चार बच्चों की हालत गंभीर बताई जा रही है। दरअसल देर रात घर में दूध पीकर सोए पांच बच्चे फूड पॉइजनिंग का शिकार हो गए। परिजनों ने पांचों बच्चों की हालत गंभीर देखते हुए अस्पताल में भर्ती कराने का सोचा। हॉस्पिटल ले जाते समय रास्ते में ही एक मासूम बच्चे ने दम तोड़ दिया। वहीं चारों बच्चों की गंभीर हालत देखते हुए उन्हें फौरन अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उनका उपचार चल रहा है। संतोषी, ये क्या मामला, क्या घटना हुई है? कल दूध पी के सोए, कल पिया होगा दूध पी के, जो उल्टी अभी लग गई है, एक तो खत्म है वाला पिलाता। घर का दूध था? हाँ, घर का ही दूध हो। जेवना का कहूँ तो बाहर के मंगाया हो तो डर हो कि कैसा का हो। अब इसमें कितने बच्चे बीमार हैं? ये चार बीमार है, एक खत्म है। किस गांव का मामला है? नगला कल्लू। हाथरस से केकेडी न्यूज संवाददाता मनोज शर्मा की रिपोर्ट। कागा नगर व आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में मंदिरों में श्री कृष्ण जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया गया। मंदिरों में, घरों में तथा प्रतिष्ठानों पर भगवान श्री कृष्ण की झांकियां सजाई गई तथा मंदिरों को आकर्षक विद्युत लाइट से सजाया गया। भक्तों द्वारा श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत रखा गया। मध्य रात्रि में मंदिरों में शंख, घड़ियाल, ढोल, नगाड़ों के साथ भगवान श्री कृष्ण की जय जयकार हुई और इस जय जयकार की ध्वनि से पूरा वातावरण गूंज उठा। भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना की गई। इस अवसर पर गांव के श्री जनराय बड़ा राम मंदिर पर महंत पवन दास महाराज द्वारा आरती की गई। श्रद्धालुओं ने मध्य रात्रि में भगवान के दर्शन कर पुण्य लाभ लेकर प्रसादी ग्रहण किया। उज्जैन से केकेडी न्यूज संवाददाता अजय नवरंग की रिपोर्ट। इसी तरह की खबरों के लिए आप बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए खबरों की दुनिया, और खबरों की दुनिया को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।